हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीब ने जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ कमजोर मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तो मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शबे कदर को मांग लेना मान जाएगा, शबे बरात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमजान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के खत्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह, हमने तो हाजिर होना था, हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करना है। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं, जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, तो इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फकत अल्लाह की रिजा के लिए किया हुआ है, वो मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया। और वो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं तीन लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का, ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन लोग सफर कर रहे थे, रस्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने जमाने के अंदर गारें होती थी और लोग जब सफर करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफर करते थे, वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया, आके उसने गार को बंद कर दिया। इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब तीन लोग हैं, थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहां से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर कहने लगे यार इस तरह करो, अगर कोई जिंदगी में नेकी की है ना तो जरा उस नेकी को याद तो करो और याद करके उस मालिक के हुजूर अर्ज तो करो, करीम है कोई आखो शायद मन जावे, कम ततड़ी दा बन जावे, अर्ज तो करो। ये आप अंदाजा फरमाइए, ये बात बयान कौन कर रहा है, ये मदीने वाले रसूल बयान कर रहे, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाई ये दास्तान मोहब्बत। हुजूर फरमाने लगे एक ने उनमें से हाथ उठाए और उसने अंदाज क्या छेड़ा, अर्ज करने लगा अल्लाह तो जानता है ना मैंने बकरियां रखी हैं, मैं गरीब हूँ मजदूर हूँ, और मालिक तू ये भी जानता है कि मेरे बच्चे भी हैं बीवी भी है, पर मैं जब भी घर लौटा हूँ तो दूध मैंने बच्चों और बीवी को पहले नहीं दिया, बूढ़े माँ बाप को पहले दिया। वो गार में तन्हा बैठे हैं और अपने मालिक को मना रहे हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह तुझे याद है ना एक रात जब मैं बड़ी देर से लौटा था, लकड़ियां काटते दरख्त तलाश करते मुझे देर हो गई, मैं देर से लौटा था, नियत ये कर रखी थी कि दूध सबसे पहले माँ बाप को पिलाऊंगा, मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए, तो मैंने कहा नहीं मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार किया, ऐ अल्लाह वो जब उठे तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए दुआ थी और उनके सीनों में जो मेरे लिए करम था, अगर तेरी बारगाह में वो नेकी कबूल है तो मालिक फिर रहम फरमा ना, इस मुश्किल से आसानी अता फरमा। सुनो सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि उस बंदे की दुआ मुकम्मल हुई तो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया और इतना सिरका कि आसमान नजर आने लगा। जिसने माँ बाप को मनाया है, उनसे प्यार किया है, फिर यही बात वसीला बन जाएगी रब के मानने। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दूसरा बोला और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है मुझे अपने चचा की बेटी भाने लगी थी, मैं उसकी तरफ रगबत करने लगा था और मैंने जब उससे जाके इरादा किया कि मैं तेरा तालिब हूँ, तो उसने मुझे कहा कि पहले 100 दिनार लाओ। तो अल्लाह, मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर, ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह, मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं, उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है। अल्लाह, वो मजदूर वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा, और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया पर मैंने खाया नहीं। फिर वो मुझसे मैं कारोबार करता रहा और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा, कहने लगा मेरा माल तो, मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहां और इतनी इतनी बड़ी गायें कहां, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह, मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह, अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया, वो बाहर आ गए। तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की, उन नेकियों उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसकी हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों मजबूरों कमजोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह है करम के सवाली हैं, उनके सदके तू रहम फरमा, तू करम फरमा।